जन्मदिन कि माहौल तो मैं तो सोचू थोड़ा हंस भी ले ला है ना, तो पहले थोड़ा समय बन जाओ तो जब कभी आला तो तब आप बिल्कुल हंसता रह ला। तो जनानी सूट लेन जान दी ना दुकानी माँ, तो पहली वो 100 सूट देख दी, वहां बाद में के एक पसंद हो और तब बोल दी भाई ये मैं कोई नई लेटेस्ट मॉडल ब्याह वो दिखा दी। ठीक है, शुक्र छ परमात्मा को कि नौनी जो छ ना नौ ना देख नहीं जान दी। अगर नौ ना देख जाओ ना तो वो वक्त बोलू नौंडियाल तो पसंद आ, पर अगर तुम्हारे यहाँ कोई हक को लेटेस्ट मॉडल छ तो वे दिखा दिया है ना। तो बहुत मुश्किल होंदू जिंदगी में औरत समझू। और सबसे बड़ी बात आज एक राज की बात बताऊं ना मैं भाई जी, तुम हंस ले भी यार, तजुर्बा छ मेरी जिंदगी को। हर कोई शादीशुदा चाहू ना कि वह का घर में लड़ाई ना हो, कलेश ना हो, सुख शांति रहो। ये मेरे अपने जिंदगी को तजुर्बा छ, मैं आपने बताऊ कि आप घर में अगर अपने ला ना तो कभी लड़ाई नहीं माने, सुख शांति से जिंदगी गुजर ली। जब मेरे ब्यो है पहला दिन जब बुआरी घर है तो खाणु बना दी वह रुसै माँ, तो वह रुसै माँ खाणु बना चल गई रोटी बना, रोटी भुज बना थे शर्मा जी। तो क्यों है कि जब भी हमारे यहाँ रोटी बन थे ना तो हम क्या भैरा कबर में पता चल जान छो कि रोटियन बननी। वो किला है कि हमारू जो चकला छो ना चकला होंगे चकला बेलन, तो चकला की या टांग टूटी छ जब भी मेरी माँ मेरी दीदी या मेरी भाभी रोटी बना छ तो खटपट 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 आवाज होन थे। अब मेरी घरवाली रुसाई में चल गई तो आधा घंटा तक देखी मैंने की खटपट नहीं वाणी, मैंने देखी रोटी बनाने लगी कि नहीं बनानी। मैं भीतर गयो तो देखी वो तो रोटी बनानी और खटपट भी नहीं वाणी। मैंने बोली भाई यान क्या कमाल करी तो पहल दा देख। बोल देखा जी मैं क्या जिंदगी में ना खटपट खटपट पसंद नहीं, एक एक टांग टूटी थे ना मैंने एक दुई टांग तोड़ दी नहीं। अब फूवा चल वे दिन भैजी मैं तजुर्बा मिली कि मैं सोची कि अगर कहीं मैं यन करी तो कहीं मेरा दुई टांगड़ा नहीं चल जाओ। ये वास्ता जिंदगी में अगर आप खुश रहना चाहना सुख शांति से रहना चाहना तो जनानी का सामनी की चुबन और कंदूड़ खुला रखे, ये फार्मूला याद रखे तो कभी कलेश नहीं माने। चला आप थोड़ा सी हसौड़ों को टाइम भी आएगी, जय का बाना आप लोग बैठे छा और काफी लोग पैदल खड़ा भी छा, शायद मेरे ख्याल सीट कम चल पड़ी, माफी चाहो। और लेकिन दिल से हंसन हुआ कि लेकिन मैं भी कोशिश कर लू आप तक दिल से हंसोलू। तो मेरे ख्याल सुमन गौर जी भी छंत में चालू की सुमन गौर जी तय कि मंच पर आला और सब तय जरा एक बार हंसाला। हेलो दगड़ियों, क्यों हूं कि हर इंसान अब तय न अकलबर समझदार और बुद्धिमान समझदार अप मे तो कभी कोई कमी नजर नहीं होती नहीं होती ना कि लाइक वो अब तक अच्छा समझ दो। लेकिन दगड़ियों अगर अपनी कमी तुम तय कभी पता कर हो कि मैं क्या क्या बुरा छन तो वहां को एक है उपाय कि अपने घर वाले पर थोड़ी सी ठसांग लगान मतलब कि थोड़ी सी बुराई कर थोड़ी सी कमी बताओ तो फिर देखा तुम्हारी एक कमी नहीं एक बुरा नहीं वो 100 बुरा गिने दे लिए। और यक तक कि तुम्हारा खानदान की भी और हॉर तो हॉर रहे जो पितर मर गए वो भी बुरा गिने दे ली। ये अंजना नहीं ए मेरी गिच्ची ये आदिम था तो मन चमचड़ाओ ना अब बस जननियों की बुरे कन फल लग जान जननियों की फगत बुरे बोले नी पूरी दुनिया की बुरे हम जननियों में वेली और ये तो सफेद दूध का धुआ छिन है सफेद दूध का हर वक्त हमार बुरे कनु रहन हर वक्त हमार कटाक कनु रहन। अरे इन बुद्धिमान समझ दे अब थई यूं की सुनोल में तुम दे।